हे गाइस, कैसे आप सभी लोग गाइस, सोच रहे कि भी अच्छे रहेंगे। सो आज हम गाइस बात करने वाले कैसे आप लोग अपने फ्री फायर का कंट्रोल सेटिंग को सेव करके रख सकते हो। कंट्रोल सेटिंग या फिर जो कस्टम एचओडी होते हैं उसको आप लोग कैसे सेव करके रख सकते हो अपने फोन के अंदर, इसके बारे में आपको इस वीडियो में पता चलेगा। एंड इस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मगर क्यों? क्योंकि कभी कभी आपका फोन आपका दोस्त ले लेते, फिर उस फोन से फ्री फायर खेलते, तो आपका थोड़ा सा सेटिंग वगैरह चेंज कर लेते, फिर कभी कभी आप खुद भी चेंज कर लेते हो एंड इसके बाद आप लोग चेंज नहीं कर पाते, मतलब पहले से नहीं कर पाते। एंड कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि बहुत सारे लोग फीवर को अनइंस्टॉल कर देते एंड फिर से दूसरी बार जब इंस्टॉल करते, मतलब दोबारा से जब आप लोग इंस्टॉल करते हो एंड इसके बाद आपका जितनी भी सेटिंग होते हैं सारे एकदम चेंज हो जाते हैं, सारे एकदम न्यू आ जाते हैं। एंड उस टाइम पर आप लोग अपनी सेटिंग को सही नहीं कर पाते हो, एकदम अच्छे से नहीं खेल पाते, पुराने जैसे आप लोग नहीं खेल पाते हो एंड बहुत ही दिक्कत आता है। अरे हाँ भाई हाँ। तो इसी से अगर आप लोग बचना चाहते हो, अपनी सेटिंग्स को सेव करके रखना चाहते हो, तो इस वीडियो को देखते हैं। इस वीडियो देखने के बाद आपका जितनी भी सेटिंग रहेगा, कस्टम एचओडी रहेगा या फिर कंट्रोल सेटिंग का या फिर जो भी सेटिंग है फ्री फायर का, सारे सेटिंग आप लोग सेव करके रख सकते हो। फिर उसके बाद जस्ट एक क्लिक के अंदर आप लोग डाउनलोड कर सकते हो एंड उसके बाद आपका सारे सेटिंग पहले से आ जाएगा। क्या बात है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक वीडियो होने वाला है। अगर आप लोग फ्री फायर खेलते हो तो जरूर से वीडियो को एंड तक देखते है ना, एंड इसके बाद वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करते लाइक कर देना, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना, फिर एक बेल आइकन उसके बगल पे सेट कर लेना। तो चलेगा इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कंट्रोल सेटिंग या फिर फ्री फायर का जितने भी सेटिंग है सारी सेटिंग को सेव करके रखने के लिए क्या करना है, आपको सबसे पहले सेटिंग में जाने एंड इसके बाद देखने है कि आपका सारी सेटिंग एकदम सही है कि नहीं है। मतलब पहले आप लोग देखो एकदम सारी सेटिंग एकदम बराबर है कि नहीं है, लेकिन तो बाद में आप लोग सेव करोगे उसके बाद आपका गलत जो सेटिंग है वही सेव हो जाएगा। तो पहले आपको एकदम ध्यान से देखना है आपका जितनी भी सेटिंग आप लोग जैसा चाहते हो या फिर आपका जो सेटिंग में हाथ बैठा है उस तरह का सेटिंग है कि नहीं है, तो पहले देख लो सारे के सारे एकदम सेंसिटिव हुए। उसके बाद कंट्रोल पे जाने एंड इसके बाद जितनी भी सेटिंग है सारे सेटिंग देखो एंड इसके बाद कस्टम एचओडी देखो एंड इसके बाद यहाँ पे जितनी भी सारी सेटिंग ऑटो पिकअप डिस्प्ले एंड इसके बाद साउंड सेटिंग, उसके बाद वाइब्रेशन सेटिंग, उसके बाद नोटिफिकेशन सेटिंग एंड इसके बाद एफएफ मैक्स का सेटिंग, तो सारे सेटिंग आपको एकदम अच्छे से देखने ठीक है। एंड सारे सेटिंग देखने के बाद गाइस आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको बेसिक में जाने, जो बेसिक का सेटिंग है ना यहाँ पे आप हमको मिलते हैं, आपको अभी बेसिक सेटिंग में जाने एंड इसके बाद यहाँ पे आपको एक सेटिंग मिलेगा, यहाँ पे देखते हो सेटिंग सिंक करके एंड इसके बाद आपको ऑप्शन मिलेगा डाउनलोड और अपलोड करके एंड यहाँ पे जो अपलोड का ऑप्शन देख रहे हो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्लिक करने एंड इसके बाद आपको डाउनलोड करना पड़ता है। एकदम मैं आपको लाइव प्रूफ भी दिखाऊंगा। अच्छा, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करके अपलोड करने, यहाँ पे जो अपलोड का ऑप्शन देख रहे हो यहाँ पे आपको क्लिक करने एंड सारी सेटिंग को आपको अपलोड करने, आपका जो अकाउंट है ना, आपका जो फ्री फायर का गेम है, आपका जो फ्री फायर का आईडी है उससे अपलोड हो जाएगा। तो यहाँ पे बस अपलोड पे क्लिक करो एंड इसके बाद ओके आएगा, आपको ओके पे क्लिक करने एंड इसके बाद आपका जितनी भी सेटिंग है सारा कुछ अपलोड हो जाएगा। यहाँ पे आपका सेंसिटिव सेटिंग, उसके बाद म्यूजिक का सेटिंग, सारे सेटिंग यहाँ पे अपलोड हो जाते हैं। तो सारे सेटिंग ऐसे से आपको अपलोड करने एंड इसके बाद आपको थोड़ा सा वेट करने, मतलब एकदम तुरंत से नहीं हो जाता है, तो थोड़ा सा वेट करो ठीक है। एंड इसके बाद आप लोग कुछ भी करो, मतलब आपका अकाउंट के अंदर या फिर सारे सेटिंग ऐसे ऐसे कर दो, कुछ भी कर दो, मैं आपको दिखाता हूँ लाइव प्रूफ। तो यहाँ पे मैं कंट्रोल सेटिंग में जाता हूँ एंड इसके बाद कस्टम एचओडी भी मैं आपको बिगाड़ के दिखाता हूँ। तो ऐसे मैंने कस्टम एचओडी सब कुछ ऐसे ऐसे कर दिया, मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। तो चलो यहाँ पे करते सब कुछ एकदम मेटल में ला दिया मैंने, जैसे आप लोग देख सकते हो एंड इसके बाद इसको सेव भी कर दो। यहाँ पे सेव करने का ऑप्शन है, आपको पता होगा, यहाँ पे मैं सेव करता हूँ एंड इसके बाद आप लोग देखना यहाँ पे मैं फिर से जाकर आपको दिखाता हूँ। देख सकते हो यहाँ पे कुछ इस तरह का मेरा कस्टम एचओडी है एंड इसके बाद इसको बैक करते एंड इसके बाद सारे सेटिंग में एकदम मतलब अलग से कर देते, स्मूथ कर लेते हो, उसके बाद यहाँ पे साउंड वगैरह सब कुछ खत्म कर लेते। तो सारे सेटिंग यहाँ पे मैंने अलग कर दिया, जैसे आप लोग देख सकते हो मेरा कंट्रोल सेटिंग, कस्टम एचओडी वगैरह सब कुछ एकदम अलग हो चुके। तो अभी मैं आपको डाउनलोड करके दिखा दो सब कुछ सही होते कि नहीं होते। तो यहाँ पे देख सकते हो गाइस डाउनलोड करने का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा पास में। तो बस आपको क्या करना है, यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करना है, अभी आपको डाउनलोड पे क्लिक करना है, डाउनलोड करते ही इस तरह का आ जाएगा एंड इसके बाद आपको यहाँ पे ओके पे क्लिक करना है। ओके पे जैसे आप लोग क्लिक करोगे आपका सब कुछ डाउनलोड हो जाएगा एंड आप लोग इसको कोई भी फोन के अंदर जाके कर सकते हो, मतलब आपका अकाउंट को आप लोग जिस भी डिवाइस के अंदर जो भी फोन के अंदर लॉग इन करोगे उसके अंदर बस आपको जाकर डाउनलोड करना है एंड डाउनलोड करते ही आपका सारे सेटिंग वहाँ पे आ जाएगा। तो ऐसे करके आप लोग कर सकते हो, बहुत ही मस्त सेटिंग है एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग है। मैं एकदम मतलब सबको सजेस्ट करूंगा आप लोग ऐसे अपलोड करके रखो एंड उसके बाद जब भी जरूरत पड़ेगा डाउनलोड कर लेना, सारे सेटिंग आपका पहले से आ जाएगा। अभी आपको क्या करना है, या फिर बस ओके करना है। तो अभी मैं आपको ओके करके दिखाता हूँ, ओके मैंने किया एंड इसके बाद गाइस देख सकते हो मेरा सारे सेटिंग आ चुके एंड साउंड वगैरह सब कुछ एकदम मतलब पहले से आ चुके। मैं कस्टम एचओडी भी दिखाता हूँ आपको, तो कस्टम एचओडी देख सकते हो मेरा पहले से आ चुके एंड इसके बाद जितनी भी सारी सेटिंग है यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे डिस्प्ले सेटिंग, उसके बाद यहाँ पे साउंड वाइब्रेशन वगैरह सब कुछ पहले से आ चुके। तो ऐसे करके आप लोग कर सकते हो, अपने जितनी भी सारी सेटिंग है सबको अपलोड करके रख सकते हो, सेव करके रख सकते हो एंड इसके बाद जब भी आपको जरूरत पड़ेगा आप लोग बस डाउनलोड करना, सारे सेटिंग आपका आ जाएगा। उस इस तरह से करके कैसे आप लोग अपने सेटिंग्स को सेव करके रख सकते हो, जस्ट एक क्लिक के अंदर आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हो एंड सारे
सेटिंग आपका पुराने जैसा आ जाएगा। एंड जो भी कुछ था मैंने आपको एकदम अच्छे से दिखा दिया, एकदम मतलब अप्लाई करके दिखा दिया, तो कुछ सही था यहाँ पे। आप लोग जाके डाउनलोड कर लो, मतलब पहले अपलोड कर लो, एंड इसके बाद जब भी जरूरत पड़ेगा आप लोग डाउनलोड करना, आपका सारा काम खत्म हो जाएगा एंड आपको दोबारा से कोई मेहनत करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो जाओ उस जगह तेल से अपलोड करो, आपका जो भी सेटिंग है अभी फिलहाल उसको अपलोड करके रखो। तो इतना था इस वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को जरूर से लाइक कर लेना, एंड सब्सक्राइब नहीं करो अभी तक तो सब्सक्राइब भी कर लेना, उसके बाद एक बेल आइकन है उसको शेयर कर लेना। तो बाय बाय गाइस, मिलते नेक्स्ट वीडियो में।